नगर निगम द्वारा शहर में किए जा रहे विकास कार्यों के साथ साथ नागरिकों के स्वस्थ मनोरंजन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवास शहर के में स्थित सयाजी द्वार के सामने मंडूक पुष्कर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाकर तालाब में बोटिंग का कार्य भी प्रारंभ किया गया। अब शहर के नागरिकों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को पंचवटी मीठा तालाब के साथ शहर में स्थित मंडूक पुष्कर तालाब में बोटिंग करने का लुत्फ मिलेगा। कलेक्टर व प्रशासक चंद्रमौली शुक्ला, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान की इस पहल को विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के द्वारा मंडूक पुष्कर तालाब पर बोट का पूजन कर तालाब में आम नागरिकों, बच्चों व सीनियर सिटीजनों व आने वाले पर्यटकों के लिए बोटिंग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी, संतोष पंचोली, राहुल दायमा, वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गेश अग्रवाल, भरत चौधरी, फूल सिंह चावड़ा, अर्जुन यादव, मनीष सेन, धर्म सिंह बैस, नितिन आहूजा सहित कई लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो पूरे देवास में 3 करोड़ की लागत से बनने जा रही विभिन्न सड़कों का आज भूमि पूजन किया है। राधागंज में भी किया, गंगानगर में भी किया और उसी तरह से मंडूक पुष्कर के सफाई होने के बाद इस तालाब में बोट चलेंगी, लोगों को घूमने फिरने के लिए एक नई जगह मिलेगी। इस चीज़ के लिए हमने आज यहाँ पर भूमि पूजन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मीठे तालाब में भी बोट चलेंगी और वहाँ पर भी वो होगा। हम पूजन केवल यहीं कर रहे हैं पर दोनों जगह के लिए आज लोकार्पण किया है। तो ये नगर निगम के द्वारा होने वाले इन कार्यक्रमों का आज हम सब लोगों ने काम किया है। पहला एवी रोड पर जो है ब्रिज बनने जा रहा है, एक लंबा एक ब्रिज बनने जा रहा है, वो भी एक सौंदर्यीकरण का हिस्सा है। और मीठा तालाब और मंडूक पुष्कर क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है कि जब देवास कहीं ना कहीं जो है विकास की ओर जा रहा है? देखिए, देवास जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कमान संभाली इस प्रदेश की, उस दिन से ही देवास को बहुत आशा थी और उस आशा को पूरा करते हुए हम एक नया देवास लोगों को 2 साल में समर्पित करेंगे। 2 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कार्य देवास में, विकास के कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। केवल एबी रोड पे ही डेवलपमेंट के नहीं, छोटी छोटी गलियों से, छोटी छोटी नालियों से लेकर सौंदर्यीकरण के काम तक, हर काम को, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के जो काम हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने जो किए हैं वो हम लोगों को दिखाएं। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।